हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है संडे दिन की सुबह की, जो है किस तरह मेरी संडे जो जाती है। तो मॉर्निंग में मैं उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद कड़ी पत्ता निकालने के लिए जा रही थी। तो आज स्पेशल है चने की जो सब्जी बनेगी, ग्रीन चने की, ग्रीन पीस की, और डोसा बनेगी, तो इसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सुबह सुबह ही देखिए, बारिश की वजह से सब गीला गीला हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बारिश पड़ने से जड़ जो है ग्रोथ हो रहा है। ये जो है मम्मी ने लगाया हुआ कड़ी पत्ते की जड़ है। तो यहाँ पे मैं दो पत्ता जो है निकाल रही हूँ, और ये सभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीनिश जो है मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं लगाना चाहती हूँ, प्लांट्स संभालने वाले नहीं है, क्योंकि हम, मैं भी काम के लिए निकल जाती हूँ, पानी वगैरह डालने वाले नहीं है मेन चीज़। इसीलिए यहीं पे भी देखिए बारिश पड़ने की वजह से अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इसके बाद मैं अंदर चली, तो फटाफटक से ब्रेकफास्ट जो है बना लेती हूँ, आप भी देखिए ज़रूर। तो आज बनेगी ग्रीन जो चने है ना, ग्रीन पीस, उसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं इसकी ग्रेवी, और पतले चिल्ला जो है, डोसा जो है वो बनेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखिए ऑनियन है, एक दो ऑनियन कट कर रही हूँ, बारीक चॉप कर रही हूँ। एक कड़ी पत्ता है ये मम्मी का, मेरे झाड़ का, घर का पास ये कड़ी पत्ता मैं लेकर आई थी, आपको दिखाई, फ्रेश है ये घर का, एक्चुअली मम्मी ने लगाया हुआ झाड़ का कड़ी पत्ता है। और ये टमाटो एक दो ली हूँ, और नारियल एक फुल नारियल ली हूँ, और यहाँ पे हरी मिर्च है, तो ग्रीन कलर की बनेगी हरी मिर्च ली हूँ मैं, चिली पाउडर नहीं डालूंगी। और तो चार से पांच हरी मिर्च, एक छोटा पीस जिंजर, अदरक, थोड़ा सा लहसुन, और इसके लिए जीरा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालना है, एक्चुअली जीरा जो है यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया है, इसीलिए जीरा नहीं डाल रही हूँ। तो इसको डाल करके थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे, बस इतना ही, कोकोनट ऐसे ही करके पीसना है। तो यहाँ पे कुकर ली हूँ मैं चने जो है ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी तेल डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा राया डाल रही हूँ, फ्रेश जो कड़ी पत्ता वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे राया और कड़ी पत्ते के तड़का देने के बाद ऑनियन जो है कट करके रखी थी, प्याज जो है दो, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छे से फ्राई करना है। तो ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में टमाटो ऐड करेंगे हम। तो आप चाहते हैं तो चिल्ली पाउडर भी डाल के बना सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, मतलब कोकोनट जो है हरी मिर्ची डालकर पीस ले रही हूँ ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए प्याज थोड़ा सा अच्छे से भुना हुआ है, अभी इस पे टमाटो कट करके रखे थे ना, तो टमाटर जो है ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से बॉईल होने देंगे, अच्छे से पकना है, दो मिनट इसको भी पकाने के लिए रख देंगे। डोसा के लिए ना मैं बैटर बनाने के लिए, ये देखिए दो ग्लास चावल, रेशन की जो चावल है वो भिगोने के लिए रखी थी रात में, और ये पतला चिल्ला है तो इंस्टेंट जल्दी बन जाएगा, इसको हम आटा पीस करके फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये है नारियल, एक नारियल, ये नारियल भी चावल के साथ में पीस लूँगी। और ग्रेवी के लिए, जो ग्रीन ग्रेवी के लिए नारियल जो पीसी थी ना मैं, ये देखिए थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है उसको,
ये यहाँ पे रेडी है। ग्रेवी जो है जल्दी बन जाएगा, ग्रेवी बनने के बाद डोसा बनाएंगे। तो यहाँ पे टमाटो जो है कुक हो रही है, तो थोड़ा टमाटो जो है कुक हो रहा है। अब इसमें हम तेज पत्ती जो है मैं वो स्मेल के लिए डाल रही हूँ, अच्छा एक खुशबू आएगा अच्छा सा। और इसमें मसाला जो है ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला थोड़े से ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और सूर्या गरम मसाला है वो एक चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर हाफ चम्मच, बस चिली पाउडर नहीं डालेंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ हरी मिर्ची का जो है ग्रीन वाला बन रहा है ग्रेवी, ग्रेवी मतलब थोड़ा फिक्की रखूंगी मैं, तो डोसा के लिए खाने के लिए ना अच्छा होगा। तो ऐसे टिफिन में भी अगर बच्चों के लिए देना है वो भी बना सकते हैं हम इसी तरीके से। इसमें ग्रीन बटाने ही नहीं और अपना रेड जो चना है, व्हाइट चना है वो भी ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा ही होगा। अभी देखिए इस टाइम पे मसाला थोड़ा सा भुनने के बाद ग्रीन बटाने जो है वो ऐड कर लेंगे, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस ही बोलते हैं उसे शायद। तो यहाँ पे ग्रीन पीस को जो अच्छे से मैं मसाले में मिक्स कर ले रही हूँ। तो उसके बाद नारियल की जो मसाला बना के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ, मोटा मोटा ही पीसी हूँ मैं नारियल को। तो यहाँ पे नारियल डालने के बाद देखिए उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी पानी थोड़ा सा ही डालेंगे, बस ये नारियल के जो ग्रेवी है ना इसी में ही ये पकेगा। पानी थोड़ा सा मिक्सर जो पीसे थे उसी में ही थोड़ा सा पानी लेकर वॉश करके डाल दूंगी। देखिए जार, ये जार के इसमें ही थोड़ा सा पानी ली थी मैं, वही डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनल जो है नमक जाएगा, नमक नहीं डाले थे हम। देखिए ना अब कलर अभी आ गया, लाइट ग्रीनिश कलर आ गया है अभी, तो नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा देखूंगी, नमक थोड़ा कम लगा मुझे, तो फिर से थोड़ा सा ऐड करके कुकर को ढककर रख देंगे। एकदम टेस्टी अभी मुझे अच्छा लग रहा है जब नमक देखे तो। सीटी निकाल कर करी, प्रेशर कभी कभी उसमें रहता है इसीलिए, बस अभी इसको 3 से 4 सीटी आए तक रखेंगे। अभी चावल किसके लिए पीसना है हमें, तो चावल ना रात में भिगोने के लिए रखी थी, रात में भी आप पीस करके रख सकते हैं, बैटर जो है अच्छा सा मिक्स होके रहता है, लेकिन मैं काम पर आने के, काम से आने के बाद में मैं भिगोने के लिए रखी थी, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला रात को पीसने के लिए। चावल कम से कम 5-6 घंटा तो भिगना चाहिए, इसीलिए टाइम हो गया हूँ। तो यहाँ पे नारियल डाल करके इसको भी अच्छे से, एक्चुअली चावल ज़्यादा हुआ है, थोड़ा चावल थोड़ा कोकोनट इस तरीके से हाफ हाफ करके पीस लेंगे। बस लास्ट में हम नमक डालेंगे। अब इसको पतला चिल्ला है, पहले ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी हम बाद में भी मिक्स कर सकते हैं।
इतना पानी ली हूं मैं, बाद में अगर लगेगा तो फिर से पानी जो है डालकर फिर से पीस लेंगे। तो यहाँ पे कुकर की सीटी भी आने वाली है। तो यहाँ पे तो एक ट्रिप जो है डोसा का बैटर जो है मैं बना ली हूँ। ये देखिए ये थिकनेस है, बाद में हमें पानी ऐड कर लेना है इसको कि जितना चाहिए उतना। तो सेकंड ट्रिप भी जो है वो भी पीस करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी भी मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से, और चाहिए तो पानी मिक्स कर सकते हैं। अभी नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके, चाहिए तो आप हाफ आवर रख सकते हैं इसको, नहीं तो इसी वक्त तुरंत भी बना सकते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है नाश्ते का। जोया को भी भूख लग रही है यहाँ पे। बंद कर। तो यहाँ पे कुकर की सीटी थोड़ा निकाल करके थोड़ी सी चेक करके देख लूंगी किस तरीके से ग्रेवी जो है बना है। देखिए एकदम थिकनेस ही है क्योंकि डोसा के लिए यही अच्छा लगेगा, और एकदम बढ़िया से कॉम्बिनेशन है ये। देखिए एक गला भी है अच्छे से, तो ये बढ़िया से डोसा डालने के बाद आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बढ़िया सा डोसा जो है उठकर आ गया। तो ये बहुत सिंपल एंड इजी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके साथ आप सिर्फ और भी चटनी भी बना सकते हैं, टोमेटो चटनी भी बना सकते हैं। तो सालक अगर खाना चाहते हैं तो टमाटो चटनी, या तो फिर चिकन की ग्रेवी है। अगर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए तो चिकन ग्रेवी वगैरह नहीं, को किसी को पसंद भी होती है खट्टा मिर्ची ग्रेवी। मुझे खट्टा मिर्ची बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट हो डिनर हो लंच हो किसी में भी खाने के लिए। तो इस तरीके से बस पोर करना है हमें इसे सारे तरह। और भी चाहिए तो पतला कर सकती हूँ, लेकिन बहुत पतला हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सिकना रखी हूँ मैं। तो इस तरीके से दें डालकर ढक करके पका लेंगे। ये है गर्मा गर्म हमारी यम्मी सा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है। पतले डोसा है और ग्रीन पीस की सब्जी है। तो ये ज़रूर बना के आप भी टेस्ट कीजिए, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया सा टेस्ट है। चलिए फिर उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को कोई नए देख रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तब भी मैं जो भी वीडियोस डालूँगी अब तक नोटिफिकेशन आएगा। और ढेर सारा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।